संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर गुरु जी आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपको किसी अरदास की जो आपने की है वो आपको नहीं पूरी हो रही है, तो संगत जी आप घबराएं नहीं, पेशेंस रखें। हमारे गुरु जी जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। बस सब्र सब्र और सब्र करना है हमें, पेशेंस रखनी है। ऐसा ही सत्संग है आज आंटी का, तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। समझ जी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी का इतना शुक्राना है। हम सब जानते हैं गुरु जी ही हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं हम हमारी लाइफ में आती हैं, हमें लगता है हमारी प्लानिंग चल जाएगी, हम ये हैंडल कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एंड में क्या होता है कि मतलब अगर मैं रियलाइज़ करूँ तो मुझे लगेगा मेरे घर पे अगर आज खाना भी क्या बनना है, मेरे बेटे के स्कूल में आज कैसा रहना है। मुझे कभी कभी लगता है ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गुरुजी की मर्जी से होती हैं। एंड गुरुजी जब रियलाइजेशन कराते हैं चीज़ों का, तो शुरू में हमें लगता है कि उनको मज़ा आ रहा है हमें परेशान करके, फिर लगता है कभी कभी कि नहीं, गुरुजी ना कभी कभी बहुत एकदम कठोर दिल हो के हमें हमसे पेश आ रहे हैं, एंड उनको अच्छा लग रहा है हम परेशान हो रहे हैं। कभी कभी मन करता है गुरुजी से बहुत चीज़ों को लेके जिद करें, बहस करें, अपनी बातें बोले जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। जब कभी वो हमें बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योर होते हैं और हमें बोलते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और ये एक दिन दो दिन की चीज़ नहीं है संगत जी, कि पूरी लाइफ ही ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल जब बच्चे बड़े होते हैं, अगर आपका बेटा है बॉयज़ हैं, तो जैसे वो बाइक चलाते हैं तो पेरेंट्स को कोई होते वो अलाउ नहीं करते, कहते हैं कि सेफ नहीं है। लड़कियां होती हैं तो अलग तरह के इनसिक्योरिटीज़ होती हैं एंड रिस्क होता है, तो हम उस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, बोलते हैं ये नहीं करना, ऐसे नहीं जाना। और तब उस एज में जैसे हमें समझ में नहीं आता ना, और हमें अपने माँ बाप भी से दुश्मन की जैसे लगते हो, लगता है यार ये हमारी खुशी चाहते ही नहीं है, ये हमेशा हमें हर चीज़ के लिए टोकते हैं। फिर जब सोचो एक टाइम आता है जब हम उनके साथ नहीं रह रहे होते हैं, हमारी जॉब में चले जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हम अपनी फैमिली मैनेज कर रहे होते हैं, तब हर एक बात रियलाइज़ होती है, याद आती है, और लगता है कि अगर तो वो बात मान लेते या उस हिसाब से रहते तो कोई ख़राबी नहीं थी। और जब से गुरुजी लाइफ में आए तो ऐसा लगता है वही वो चीज़ें दोबारा से मौका मिला है कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बदलने का। संगत जी अगर मैं बताना चाहूँ अपनी लाइफ की जर्नी से, तो एक सत्संग तो पूरा मेरी लाइफ का है, जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से सुनाना चाहिए। तो कैसे कनेक्ट हुई, कैसे उन्होंने ब्लेस किया, कैसे चीज़ें बढ़ी, और एक जो होता है आपको डेली गुरुजी के इतनी रहमतें हैं आपके ऊपर, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी कि कैसे वो चीज़ें ठीक करते हैं, और छोटी छोटी आपकी ख्वाहिशें, आपका कंफर्ट जोन, आपकी लाइकिंग, किन चीज़ों में आपका जैसे आत्मा बसती है, जैसे आप कुछ चीज़ें होती हैं ना आप तन मन धन से करना चाहते हो, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, छोटी छोटी सी चीज़ें, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, हमें नहीं पता होता हम सही रास्ते पे हैं हम नहीं हैं, हम सही कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, या ये करते रहेंगे तो किसी का भला है कि बुरा है। मेरी लाइफ जो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है अभी भी, ऐसा है कि मैं रोज़ सुबह उठ के गुरु जी के पास ही जाती हूँ खाली दिमाग लेके कि गुरु जी आज के दिन में मैंने ये टास्क प्लान किया है, बाकी आपके ऊपर है, इनमें से जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए या मुझे करना है या ये करने से आज ये अच्छा होगा तो आप करवा देना, नहीं तो मैं उन चीज़ों की अब टेंशन नहीं लेती। गुरु जी ने इस डिसिप्लिन में रहने के साथ साथ सिखाते सिखाते उन्होंने इतनी चीज़ें सिखाई कि क्या बताऊँ। मैं
अगर बोलूँ तो जैसे एक बच्चे का नर्सरी में एडमिशन होता है एंड वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचता है, शायद मैं अभी भी कहीं बीच में ही हूँ, लाइक ग्रेजुएशन कर रही हूँ कह सकती हूँ, या क्या पता वो भी नहीं, उससे भी कम। मैं अपने ऊपर किसी भी चीज़ का ये नहीं लेती कि मैंने वो किया है। मैं तो अभी भी ये बोलती हूँ कि मैं जैसे एक, अभी भी जैसे एक कैदी की तरह होता है ना, एक आप कारागार में रह रहे होते हो, ज़िंदगी मुसीबतों से भरी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ में नहीं आई है, और आपके पास मतलब ऐसे भी दिन रहे जिस दिन आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके पास जॉब नहीं है, और उस दिन भी गुरु जी ने आपका एग्ज़ाम लिया है। बस ऐसा गुरु जी ने रखा है कि ऐसा सरेंडर है कि गुरु जी अगर आज के दिन, आज की रात छत नहीं है सर पे, तो शायद कल मैं किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाऊंगी, क्योंकि रिश्तेदार तो मेरे हैं नहीं, घर वाले मेरे हैं नहीं, मेरे पास एक दो दोस्त हैं, उनसे थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है, एक शर्म रखी है, उनको भी पूरा बता दिया सब कुछ कि कुछ भी नहीं है, तो यार कल को पता नहीं वो भी दोस्ती ना तोड़ दे। तो मतलब विद विद ऑल द टफ सिचुएशंस, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठा होता है ना, उसकी जैसी हालत, वहां से गुरुजी ने उठाया और धीमे धीमे उठाया 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 और उठा रहे हैं। मतलब मेरा सत्संग, अभी गुरुजी ने मुझे इतनी बार थॉट दिया है कि सत्संग शेयर करो, कि मेरी जिंदगी की ऐसी कश्ती है कि मैं समेट के सुना ही नहीं पा रही हूँ अपना सत्संग। अभी तक मैं सत्संग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ एंड मैं कैसे हर चीज़ों से बाहर निकली। मतलब अगर मैं बताऊँ तो 2011 से शुरू हुआ, और ये जो पिछले 13 इयर्स की तो जर्नी है, इसके ऊपर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मतलब बस मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद पता नहीं आज ये गुरुजी ने ये बुलवाना है मुझसे किसी संगत के लिए, या किसी के पास उन्हें मैसेज भिजवाना है, मुझे नहीं पता कि गुरुजी किसका कल्याण करवाना चाहते हैं। मतलब मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी एक झिझक नहीं है, किसी चीज़ की शर्म नहीं है कि मैं ये सोचूं कि अरे मैं ये बोलूंगी जो सुनेगा वो मुझे जज तो नहीं करेगा, या संगत मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे इस किसी भी पॉइंट से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, कुछ भी डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि यार शायद पाप हो जाता है लोगों से, कुछ लोग क्या पता जान के करते रहते हैं, वो करते ही रहते हैं, कुछ लोगों से गलती से हो जाता है, कुछ लोगों के से अपने पाप का पछतावा करना चाहते हैं, एंड गुरु जी हर बार मौका देते हैं, हिंट देते हैं, मैसेज देते हैं, और हमें अपने संयम में रहना भी सिखाते हैं। एंड मतलब बस बस ये कहना चाहूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके संगत जी आपका, मतलब ये बताना चाहूँगी गुरु जी ने सब कुछ दिया पहले लाइफ में, हर एक चीज़ दी आपको, अच्छी जॉब दी, पैसे दिए, हस्बैंड दिया, फैमिली दी, बच्चे दिए, एंड फिर गुरुजी ने एकदम से सोचो सब कुछ ले लिया और आपके पास कुछ भी नहीं है आज की डेट में। फिर उन्होंने वापस से आपको हर एक चीज़ दिखाई आपकी कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, और अभी भी गुरुजी धीमे धीमे एक एक चीज़ ही वापस देना शुरू किए हैं, शायद उस हिसाब से कि पहले, सबसे पहले आप इन चीज़ों के बिना नहीं रह पाते वैसे करके। तो मतलब इतनी गलतियां करी हैं मैंने, इतनी गलतियां करी हैं कि अगर मैं सोचूं कि शायद, मतलब मैं तो जैसे गुरु जी कहते हैं ना, मैं कीचड़ से निकालता हूँ, कीचड़ में वापस आते हो, मतलब शायद मैं उनमें से थी कि जो कीचड़ में ही थी, मतलब मैं उस कीचड़ से आना ही नहीं चाह रही थी बाहर। जैसे लोगों के सत्संग सुनती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, डर लगता था पढ़ के उसकी स्टोरियाँ, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कैरेक्टर के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर, आपके इंडिविजुअल इंटीग्रिटी, आपकी प्योरिटी के ऊपर, कभी कभी लगता था कि लाइफ में इतनी गलतियाँ करते जा रहे हैं, जान के भी कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं,
मतलब किस चीज़ की लालच में, पैसे की लालच में, सिक्योरिटी की लालच में, फिनेंशियल बैकग्राउंड के लिए, या अपनी आदतें जो होती है ना, आदमी मजबूर होता है कुछ चीज़ों से कि उसको लगता है अरे इतना छल कपट चलता है, इतनी चोरी चलती है, इतना धोखा देना चलता है, इतना झूठ बोलना चलता है, कोई बात नहीं, और लगता है चलो गुरुजी तो है मेरे साथ, पर गुरुजी आपका साथ नहीं देते उन चीज़ों में, वो आपको छोड़ देते हैं। फिर आपको ठोकर लगती है लाइफ में, जो ऐसे रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने क्या क्या था मेरे पास, मैंने सब खो दिया। आज की डेट में मैं, मेरी हालत ऐसी है कि मैं मरना भी चाह रही हूँ तो मैं मर नहीं पा रही हूँ, और गुरुजी के पास आके मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी नज़र हो जाए, एक बार उनकी कृपा हो जाए, उनकी माफ़ी मिल जाए, एक बार फिर से वो बख्श दें, फिर से गुरुजी एक बार लाइफ रीस्टार्ट करा दीजिए। और बस लगता है कि गुरुजी आपको चाहते हैं, आप कैरेक्टर बिल्डिंग करिए अपनी, स्ट्रांग रहिए, आप हम्बल होके रहिए, लेकिन आपको डिसिप्लिन में भी रहना है। एंड आपके साथ कभी कभी गलत हो रहा है तो आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि शायद वहीं पे आपके कर्म ठीक होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम खुद सोचते हैं कि हम इसके जज बनेंगे, और हम जो सोच रहे हैं वही सही है। सामने वाले ने मुझे चार बातें बोली और मुझे पलट के उसकी चार बातें जब तक नहीं बोलूँगी मुझे नींद नहीं आएगी, जब तक मैं बहस नहीं कर लूँगी, मैं अपनी बात सुना नहीं लूँगी। और स्पेशली हम अपनी फैमिली में, मतलब ऐसा कभी कभी कर जाते हैं, मैं अपनी बात करूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, या मेरे सिबलिंग्स हैं, इन लॉज हैं, तो जो हम गुरुजी के रूल्स सुनते हैं ना कि निंदा चुगली नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, ह्यूमिलिएट नहीं करना, तो हमें लगता है ठीक है हम बाहरियों से नहीं करेंगे, हम संगत से नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों से नहीं करेंगे, बट कभी कभी उन उसूलों पे, जैसे कहते हैं ना कि गुरु को पाने का असली मायना है कि गुरु के वचन पे फॉलो करो, उनके हुक्म में रहना सीखो, उनकी रज़ा में रहो, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब वहाँ पे फिर हम अपना वो लेके आ जाते हैं, अपनी ईगो और अपनी मनमर्जी, अपना आलस, जानबूझ के चीज़ों को नज़रअंदाज करना कि नहीं, ठीक है हमें ये फॉलो करना है, लेकिन कभी कभी हम अपनी चीज़ों से बाज नहीं आते, तो हम घर में ही चीज़ों को लेके नाराज़ हो लेते हैं, लड़ लेते हैं, दूसरों का मन दुखा देते हैं। और फिर मैंने देखना शुरू किया इवेंचुअली कि जो मैं कर रही हूँ ना उसका तुरंत मुझे मिलता था, जैसे कि अगर मैंने एक दिन बिना मन से खाना भी बना के परोसा सबको, अगले 2 दिन ऐसा होता था कि मैं खाना नहीं खा पाती थी, और लगता था यार ऐसा क्यों हुआ, मुझसे क्या गलती हुई। कभी कभी होता था गुरुजी को थोड़ा लेट चाय रखी, और ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरुजी आपको सजा देते हैं, लेकिन गुरुजी आपको ये रियलाइज़ कराते हैं किसी न किसी रूप में, जो वो एक्सेप्ट नहीं करते, जो वो अप्रिशिएट नहीं करते, और जो वो हमारे अंदर चाहते हैं कि हम, हमारे अंदर सुधार आए, मतलब हम अपनी कमियों से सीखें, अपनी कमियों पे हार्डवर्क करें और एक अच्छे इंसान बने। तो कभी कभी लगता था गुरुजी अपने बहाने मेरे अंदर चाहते हैं कि मैं एक्टिव हो जाऊं, कि मैं जो अपने परिवार वाले हैं उनका ध्यान रखूं, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करूं, अपना फ़र्ज़ निभाऊं। और गुरुजी ने मेरी जर्नी ऐसे शुरू की कि मैं ऐसी थी कि मुझे घर के काम करना पसंद नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराया था, मेरी शादी हो गई थी 22 एंड हाफ ईयर्स में ही, मेरा तब शादी करने का भी शायद मन नहीं था, और मेरी फैमिली पूरी अपोजिट थी, मेरे जो मतलब इन लॉज थे और जो मेरे घर का कल्चर था उसमें 180 डिग्री का डिफरेंस था, मतलब ऐसा था वो पूरब है तो ये पश्चिम, वो दिन है तो ये रात, वो जहाँ वो हाँ बोलते थे वहाँ मेरे इन लॉज का ना होता था, खाने से लेके पूजा करने के कल्चर से लेके, हमारे जैसे कुल देवी देवता भगवान होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, तो जो सोचते हैं दिमाग में जो चीज़ें हैं उनके लिए जो हमने रूल्स बनाए हैं, तो मेरी फैमिली में ऐसा था कि वो लोग आर्य समाजी थे, एंड शादियों में भी कई बार ऐसा नहीं होता था कि कुंडली मैच कराई या कोई नक्षत्र देखा, बस जैसे जो भी करना है कर दिया। और इसका जो मतलब जो इन लॉस के साइड में फैमिली का जो कल्चर था वो एकदम इसका अपोजिट था,
तो मुझे तो इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट करने में और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा, कि मुझे मतलब शादी के 10 साल बाद तक तो कुछ समझ में नहीं आता था कि यार मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये करना है ये नहीं करना है। तो संगत जी, इसके बीच में तो गुरु जी ने क्या क्या माइलस्टोन्स पूरे कराए, उसका डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगी अपना सत्संग। लेकिन आज मैं एक जो ये सत्संग मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर और अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड जो मैं सुनाना चाहती हूँ, वो यही बताना चाहती थी कि गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया और फिर जब मैंने गुरु जी के वचनों को नहीं फॉलो किया, उस पर नहीं चली, गुरु जी ने मुझसे सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी। और मैं ऐसे उसमें थी कि मैं अब ऐसे पड़ाव पे थी कि मैं एक अगला स्टेप जो भी लूंगी, जो भी एक्शन करूंगी, अगर मैं गुरु जी के वचन को फॉलो करके करती हूँ तो वो मेरा दिल गवारा नहीं करता था कि मैं ना करूँ, और वो करके करूँगी तभी मुझे लगता था कि गुरु जी मुझे अपनाएंगे। क्योंकि जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैंने ये नहीं कभी भी सोचा कि कोई और मुझे ये चीज़ें देगा। मेरे मन में बस यही था कि आज की डेट में अगर गुरु जी का आश्रम होता तो शायद मैं वहाँ जाके रहने लग जाती, मैं गुरु जी से माफ़ी मांगने के लिए पता नहीं कुछ भी सेवा करती, मैं बोलती गुरु जी अब मुझे झाड़ू लगाने को दे दो, आप भले मुझे मंदिर में अंदर लाओ मत करो, आप मुझे बाहर रहने देना, बस मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ। मतलब सिर्फ ये लाइन आती थी मन में कि गुरु जी रखी चरना दे कोल, और जो भी गलती करी है मुझे बख्श दीजिए गुरु जी, और नेवर लीव मी गुरु जी, एंड यू आर माई एवरीथिंग गुरु जी। तो मैंने फिर देखा धीमे धीमे कि गुरु जी ने जब मुझे आंसर्स देना शुरू किया तो मुझे रात रात भर नींद भी नहीं आती थी, मैं अमृत वेले उठ के बैठती थी और मुझे लगता था शायद आज मुझे गुरु जी से मतलब आज गुरु जी की मुझे माफ़ी मिल जाए, आज मुझे माफ़ी मिल जाए। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि गुरु जी ने मुझे मतलब ऐसे सिखाया विद इन अ डे टाइप, कि जो मिला है उसकी भी कदर करो, नहीं तो जो है वो भी नहीं रहेगा। तो मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा तुम वापस कैसे आओगी, तुम अपनी फैमिली संभालो, वो बच्चे हैं तुम्हारे। हस्बैंड ने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे घर में फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि आप इसको ले जाइए और मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। मेरे बच्चों ने बोला कि वी विल स्टे विद पापा एंड वी कैन नॉट कम विद यू। फिर इन लॉज के सपोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और संगत जी सच बताऊँ तो इनिशियली कोई मेजर लड़ाई नहीं थी, लेकिन कल्चर डिफरेंस था। एंड मेरे एंड पे मैं सच बताऊँ बिना किसी और को ब्लेम किए या कोई भी रीज़न दिए, जो मैंने रियलाइज़ किया इतने सालों में वो ये था कि गुरु जी कहीं ना कहीं शायद मेरे कष्ट इस तरीके से कटवाना चाहते थे, कि वो मुझे चेंज करना चाहते थे, कि मैं अपनी हर चीज़ छोड़ूँ, लाइक बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत सारे अनवांटेड दोस्त बनाना, ड्रिंक्स करना, क्लबिंग जाना, नॉनवेज, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होना लाइक शादी के बाद भी कि जो आपके फैमिली में लोगों को पसंद नहीं है, बट आप ये बोल के नहीं दोस्त रख सकते कि आपका मन है। मतलब कहीं ना कहीं आपको फैमिली में एक डिसिप्लिन ऐसा लेके आना है कि आप अपने अंदर रहना शुरू कर दो अपनी फैमिली की मर्यादा में। मैं गुरुजी का ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि ये जनरलाइज चीज़ है कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपने ऊपर अगर बताऊँ तो गुरुजी ने मुझे सपने में कई चीज़ें ऐसी दिखाई मेरे ऊपर कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ूंगी तो मैं इन चक्करों में फिर से पड़ी रहूंगी और मेरा ये जीवन का जो साइकिल है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही आते जाते रहेंगे और दुनिया में मतलब आते जाते रहेंगे, और जो असली चीज़ है गुरु जी को पाना वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता, मतलब हमें अच्छा लग रहा होता है कि हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया, हम इसमें खुश हैं, लेकिन गुरु जी कभी छोटी 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 चीज़ें ऐसे दिखाते हैं कि ये उनकी मर्जी में नहीं है। और फिर कभी कभी हमें उस चीज़ पे इनिशियली गुस्सा आता है, वैसा ही गुस्सा जैसा मैंने बताया कि हमें अपने पेरेंट्स पे आता है, कि जैसे पेरेंट्स बोलेंगे ये तुम्हारी संगत अच्छी नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, या ये तुम्हारी सहेली अच्छी नहीं है, इसके घर नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, इससे नहीं मिलना है, और
हमें रियलाइज़ नहीं होता, तो गुरुजी भी इन चीज़ों के लिए मैसेज देते हैं कई बार इनडायरेक्टली, जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते या कभी हम नज़रअंदाज करते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे ये दुख आया तो क्यों आया, या ये तकलीफ़ आई तो क्यों आई, हर चीज़ अनफेवरेबल हो गई तो क्यों हो गई। फिर जब मेरे साथ हुआ ना, जब मैंने मुँह की खाई, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लाइफ एकदम ब्लैंक थी, अगले दिन रोज़ सुबह उठो तो समझ में नहीं आता था कि यार करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है। पहले पेरेंट्स को मनाना है कि पहले डिवोर्स लेके घर कहीं भाग जाना है, मतलब ऐसा लगता था कि मैं कहाँ भाग जाऊँ, समझ में नहीं आता था। बस एक कमज़ोर कड़ी थी उस टाइम, बच्चे, जिनके बिना आप कभी कभी आप नहीं रह सकते हो। आपको लगेगा कि अरे लाइफ बिना बच्चों के कैसे रह सकते हैं, तो उनके लिए आप सोचोगे ठीक है मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ। फिर आप कितने तरीके के सेक्रीफाइस करने को रेडी हो गए, आप रेडी हो गए ना, आपको लगेगा ठीक है मैं अपनी मैरिज पे भी वर्क करूंगी। एंड तब आप जब सब सत्संग सुनते हो लोगों के, तो आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि गुरु जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डिवोर्स ना लो, अपना फर्ज निभाते जाओ, नीवे होके रहो, या आप बिल्कुल अपने वर्चस्व में रहो, आप डिवोर्स ले लो, अलग रहो। फिर गुरु जी जैसे बताना चाहते हैं कि आपकी खुशी किस में है। तो मैं अपनी लाइफ का अगर एग्जांपल दूं, तो गुरु जी ने मुझे हर सिचुएशन में डाला, और शायद इसलिए डाला ये देखने के लिए कि मैं सेल्फ एक्सप्लोर करके कहीं ना कहीं ये समझ पाऊँ कि गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो उनकी बात से अग्री हो पाऊँ, और मैं खुद भी ये समझ पाऊँ कि मुझे चीज़ों की एक तो कदर हो, और मैं ये भी समझ पाऊँ कि खुशी किसी रिश्ते में नहीं है। आप अकेले हो तो भी आप खुश नहीं हो, आपकी शादी हुई है तो भी आप खुश नहीं हो, आप अकेले और आप मतलब पेरेंट्स के साथ हो तो भी आप खुश नहीं हो, और सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हो बच्चे लेके दूर रह के कहीं, तो भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हर एक रूप में हैं। तो रियलाइज़ यही हुआ कि खुशी इसी में है कि गुरु जी को ही बस मन में याद करते रहना है, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है उससे कुछ, आप सिर्फ काम समझ के एक डेड बॉडी की तरह वो काम कर दो। जैसे कि घर में रोटियां बननी है, खाना बनना है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बर्तन धुलने हैं, तैयारियां करनी है, सामने वाला आपको डांट रहा है, आपको बच्चों का काम करके भी रखना है, आपको नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है, ऑफिस का भी काम करना है, ऑफिस की भी डांट खानी है, उसमें आपकी तबीयत भी खराब है, फीवर आ गया है, दवाई भी खानी है। तो आप ऐसे सोचो कि बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आंख नाक दिमाग सब बंद करके, बस अगर हिम्मत नहीं आ रही तो मन में बस वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोल लो, चीख लो, रो लो, चिल्ला लो, पर यही सोल्यूशन है। गुरु जी ने मेरी लाइफ ऐसे दिखाई कि मैं बंद दरवाजे करके मैं दीवारों पे सर भी मार ले रही हूँ ना, तो भी कोई हल नहीं है उसका, क्योंकि जो मेरे कर्म होंगे, जो मैंने अपने कर्म बनाए, जो मैंने अपने खराब कर्म बनाए, पुराने अपने पुनर्जन्म या मतलब पिछली जिंदगी में भी जो बनाए, वो सबका कर्ज बकाया है, उसका कर्ज तो चुकाना ही है। मैंने जिनको जिनको रुलाया भी होगा, उस एक हर एक आंसू का भी कर्ज मुझे चुका के जाना है। मुझे यही रियलाइज हुआ, मतलब आज की डेट में कोई मुझे बोले ना ये आधी जली रोटी खा लो, तुम्हारे हिस्से आज ये आधी जली रोटी है, तो मन की ऐसी स्थिति हो गई है कि खुशी होती है, ऐसा लगता है कि अरे गुरु जी इसी जन्म में कटवा दे तो अच्छा है, दोबारा नहीं आना इस दुनिया में। तो मतलब संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ के कभी कभी वर्स्ट टू वर्स्ट दुख भी जब आ रहे हो ना, उस दुख का एक नशा कर लो, दिमाग में ऐसे बना लो कि वाह क्या बात है, मतलब मेरे और रोड पे जो एक सोए भिखारी में, जो सुबह उठ के कचड़े में खाना ढूंढता है, जिसके पास रात में सोने के लिए शायद कंबल नहीं है, मतलब उसके और आपके में कोई फर्क नहीं है। आप बस ये सोचो कि उसके पास गुरुजी नहीं है, आपके पास एक गुरु है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, और शायद आपकी जिंदगी कल को बेहतर हो जाएगी, शायद आज आपको ज्ञान हो गया है अपनी गलतियों का, शायद आपको थोड़ा रियलाइज हो गया है,
आने वाले टाइम में हो सकता है आप को गुरु जी माफ कर दें, और आज आपको आपके बच्चे वापस मिल गए, आपका परिवार वापस मिल गया है। कल आपको हो सकता है आपको फिनेंशियली भी गुरु जी ठीक कर दें, और उसके बाद हो सकता है आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दें। तो धीमे धीमे आपकी मेंटल मेंटल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग, फिर आपकी फिजिकल वेलबींग, और आपका उसके बाद जाके आपके जो बोलते हैं ना आपके नाम की कमाई, इज्जत की कमाई, समाज में आपका नाम वापस, वो धीमे धीमे मिल जाए, फिर आपकी पहचान बन जाए। मतलब मैं अपनी लाइफ में बोलूँ तो मैं शायद, गुरु जी माफ़ करिएगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैंने शायद वो वाली इच्छा भी आपके पास ही रखी है कि आप जैसे चाहेंगे, आप जिस पोजीशन पे मुझे चाहेंगे, जिस जॉब में आप चाहेंगे, जहाँ पे भी आप मुझे चाहेंगे, देखना आप मुझे वो देंगे और मैं खुशी खुशियों को उसको एक्सेप्ट करूंगी। क्योंकि सही बताऊं तो मेरी तो अंदर से इच्छा ही कुछ बची ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ, मैं खाना खा पा रही हूँ, मेरे शरीर में सुबह से रात तक कोई दर्द नहीं हुआ, और मुझे नींद आ गई चैन से, और मैं गुरु जी का नाम जप पा रही हूँ, मैं अपना मंत्र जाप कर पा रही हूँ खुशी खुशी। मुझे लगता है शायद इसके अलावा अगर, मतलब बेयर मिनिमम अगर मेरा ये इतनी चीज़ें मीट हो रही है ना मेरी डेली लाइफ में, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ चाहिए नहीं, इसके ऊपर जो भी मिलेगा ना वो गुरु जी की रहमत होगी। मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सच में वाहे गुरु, मतलब गुरु जी ने बहुत बख्शा है मुझे। मैंने शायद कितने झूठ बोले, कितने चीज़ों को मैनिपुलेट किया लाइफ में, अपने हस्बैंड को कितनी तकलीफें दी। वो शंकर जी की पूजा करते हैं, जब से वो उन्होंने होश संभाला है तब से वो हर मंडे का फास्ट करते हैं। मैंने कभी भी उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में कि ही इज़ माई हस्बैंड, आई शुड रिस्पेक्ट हिम और आई शुड गिव हिम द लव एंड द लॉयल्टी। एंड जब मुझे उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी ने मुझे कितनी अच्छी शायद लाइफ दी होगी शुरुआत करने के लिए, एंड मैंने उस चीज़ की कदर नहीं करी पिछले इतने सालों में। और आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि जब से गुरु जी ने मुझे फिर से दोबारा मौका दिया है, आई एम जस्ट फीलिंग कि ये ठीक है, या तो मैं पूरा इस रिश्ते से निकल जाती बाहर एंड सोचती मैं खुश रह रही हूँ, जो कि मैंने किया कई बार ट्राई, लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि मैं अकेले तो शायद खुश रह लेती, लेकिन फिर अपने कर्म नहीं ठीक कर पाती, क्योंकि फिर वही होता, आप वही चीज़ें फिर से दोहरा रहे होते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। या तो आप दोस्तों के साथ उन चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं जो कि गुरु जी की नज़रों में अच्छी चीज़ें नहीं है, या आप कहीं ना कहीं जाके अपना सिंपैथी पाने के लिए कुछ ऐसे दोस्तों को बना के रखते हैं, पैसों का मिसयूज़ करते हैं, अननेसेसरी आप पार्टियों में फिजूल खर्चे करते हैं, जिससे आपको लगता है कि ठीक है मैं अपना बहुत सोशल सर्कल बना के रखा हूँ, या इस सोशल सर्कल के बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। तो रादर देन वहाँ से गुरुजी ने हटा के आपको चाहा कि आपके अंदर ना एक वो आए कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिसिप्लिन में, और एक सही आत्म संयम बनाने के लिए, रहने के लिए, आपके लाइफ से हर वो चीज़ें दूर कर दी, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, जैसे कि पेरेंट्स कभी सोचो आपको घर में कैद कर दें, या आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो जहाँ पे आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ़ोन के रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड आपको बोला जाए सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं किया तो करियर नहीं बनेगा। तो मुझे गुरु जी ने मेरी लाइफ में वैसा माहौल दे दिया। छोटी 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 इतनी सारी चीज़ें हैं संगत जी, मैं आई विश मैं इसको कहीं लिख के नरेट कर पाऊँ, बोलते बोलते तो शायद मेरे लिए 2 दिन में कम पड़ जाए, या पूरा सत्संग मैं 1 घंटे में समेट नहीं सकती। बट आई होप कि मैं अपनी बात बता पा रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा लेते हुए मैं अपने पॉडकास्ट
पॉइंट्स बता पा रही हूँ कि गुरु जी ने जैसे मुझे दिखाया लाइफ में कि गुरु के हुक्म में रहो, गुरु के वचन को फॉलो करो, गुरु को पाना है, गुरु की आप चाहते हो गुरु की नज़र आपके ऊपर हो, उनके नाम की दात आपको मिले, तो अमृत वेला कैसे संभालना है। गुरु जी ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमृत वेला गुरुग्राम सेवा ग्रुप का जो मॉर्निंग का सत्संग आता है डेली का, उसके थ्रू इतने मैसेजेस दिए, मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, अपने मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये सपोर्ट किया मुझे गुरु जी ने, मेरी सोल को हील किया मुझे, धीमे 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 दिखाया कि गुरु जी की जो शिव शक्ति है उसकी पावर क्या है। गुरु जी ने मेरे ईगो को जिस तरीके से बार 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 कम करने के लिए मुझे हेल्प करी कि आज की डेट में मैं अपनी सारी बातें जो आप बता पा रही हूँ शायद मैं कभी ना बता पाती। कभी आदमी मुझे, मतलब मैं ये बात इतने प्राउड के साथ ही नहीं बोल पाती कि अरे मेरे पास जिस दिन 1 रुपये भी नहीं था ना, उस दिन भी मुझे टेंशन नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि गुरु जी ने शायद मेरे कष्ट काटे हैं, मुझे गुरु जी ने शायद राजा से रंक बनाया है और रंग बना के धीमे धीमे मुझे खाना देते हैं। एंड शायद जिस दिन मेरे कर्म थोड़े ठीक हो जाएंगे, मेरे कर्म का गुरुजी कष्ट थोड़ा ठीक कर देंगे, तो शायद वापस से गुरुजी मेरी लाइफ ठीक कर देंगे वापस। जैसे अभी गुरुजी ने मुझे एक स्टेज में रखा है बीच की कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पैसे होंगे, मकान होगा, सोना चांदी होगा, फिर उसकी टेंशन होगी, उसकी लालच आएगी, कैसे संभालना है, क्या करना है। तो कभी कभी लगता है चीज़ें चली गई मेरे जीते जी, बहुत अच्छी बात है, क्या पता बुढ़ापे तक रहती और मैं उन चीज़ों को ही सोचती रहती कि उनको संभालना है, और गुरु जी से अरदासें करती रहती कुछ भी चीज़ों को लेके। आज की डेट में मैं बस यही सोचती हूँ कि बस ये लगता है कि यार कल फिर कुछ एक गलत चीज़ ना हो जाए, गुरुजी फिर से मुझे ना छोड़ दे, डर लगता है इस चीज़ से, और ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप मुझे प्यार करते रहिए, मुझे जहाँ मैं गलत करती हूँ मुझे बताइए, मेरा साथ दीजिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को भी अंधेरे में रखूं अपने फ़ायदे के लिए, कुछ झूठ बोलूं, गलत बोलूं, किसी का दिल दुखाऊं, किसी की बेइज्जती करूं। जाने अनजाने इवन छोटे बच्चों की भी कभी, जैसे उनका मजाक नहीं बनाऊं, किसी का भी मजाक नहीं बनाऊं, अपने घर के लोगों का भी नहीं, किसी को भगवान ने कैसा रूप दिया है जो भी दिया है। एंड मैं गुरु जी की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे जो भी अच्छा लगता है, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, म्यूज़िक से लेके जो भी चीज़ें हैं, गुरुजी ने सारी पूरी करी हैं आज तक। पहले भी करी, तब रियलाइज़ नहीं हुआ कि गुरुजी कर रहे थे, तब ऐसा लगता था कि अरे वाह, खुशी होती थी, वाह भगवान ने कितनी अच्छी किस्मत दी है, बट कभी भी दिल से उन चीज़ों का शुक्राना नहीं हुआ। आज मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ तो शायद मुझे अनगिनत ब्लेसिंग्स मिली। एंड बस मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं जहाँ जहाँ आपकी रहमतों का शुक्राना नहीं किया टाइम पे, या नहीं एक्नॉलेज किया, या रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये आपकी मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी। और आने वाले टाइम में बस चाहती हूँ गुरुजी, बस आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके वचनों पर चलूँ, बाकी जो भी मेरी ज़िंदगी में लिखा है सब आपने लिखा है मेरी ज़िंदगी कि नहीं, आपके हाथ में है, आप ही मेरे रचयिता हो, आप ही मेरी हर चीज़ हो। जब रोती हूँ तो भी गुरुजी के साथ, जब हंसती हूँ तो भी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे बिना डरे जीना सिखा दिया, जो एक डर होता था ना कि कल फ़ोन टूट गया तो क्या होगा, कल कैब नहीं मिली तो क्या होगा, लेट हो गए तो क्या होगा, आज शैम्पू नहीं किया है कैसे ऑफिस जाना है, या छोटी 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 सी चीज़ें जो जिनके पीछे परेशान होते रहते थे और उनकी वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें इग्नोर कर जाते थे। इग्नोर मतलब कि टाइमली ध्यान नहीं दे पाते थे कि माँ बाप की सेवा करनी है, इन लॉज की सेवा करनी है,
कोई रात में बीमार है, खांसी की आवाज़ आई तो उठ के पानी दे देना है। ये चीज़ों को ना अब एक लाइफ का टास्क समझ लिया है, ऐसा समझ लिया है कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं एंड हर एक चीज़ उनके लिए ही कर रही हूँ। आज की डेट में कोई मुझे चीज़ों की बुराई भी करता है ना, तो मुझे लगता है बुराई मतलब मेरे खाने की बुराई, या मैंने जैसे कुछ घर का काम नहीं किया या सफाई नहीं की या भूल गई या कोई ईमेल भेजना था या कुछ लापरवाही हो गई, तो जब उसके लिए डांट पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि ये शायद गुरुजी ने मुझे डांटा है मुझे इम्प्रूव करने के लिए। एंड दिल से एक शुक्राना निकलता है, अपने आप को एक तसल्ली देना चाहती हूँ। कभी कभी दिल मेरा मुस्कुराता है और बस ऐसा लगता है कि गुरुजी लाइफ में वापस जो मैं जी रही थी जिन चीज़ों में, उसमें कभी भी फिर से कभी हार के वापस ना जाऊं। कभी लाइफ में मतलब कभी ऐसा मौका फिर से ना आए कि मैं ऐसी टूट जाऊं कि मैं कभी फिर सोचने लग जाऊं कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, अब बस वापस हो गया, मुझे कीचड़ में ही मजा आ रहा था, मैं वही करती रहती हूँ। जब मरूंगी ना नरक आप भेज देना, कोई बात नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं हो पा रही मेहनत, ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में। और उस दिन फिर गुरुजी ना एक नई होप दिखाते हैं लाइफ में, फिर वो प्यार से समझाते हैं और फिर धीमे धीमे आपको ऐसा माहौल ऐसा मोमेंट दे देते हैं कि आप फिर से अपने आप को मोटिवेटेड पाते हो और फिर से आप सोचते हो कि गुरुजी के वचनों पे ही चलते रहना है, कोशिश करनी है, वरना ये लाइफ इतनी लंबी लगती है, इतनी लंबी लगती है कि हर एक दिन लगता है इतना भारी कि अगर आज जैसे सुबह उठे क्या करना है, चाय पीनी है गुरुजी के साथ पीनी है, नाश्ता कर लिया, अब क्या करना है पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, गुरुजी से एक बार बात करके पूछ लिया। ऐसा लगता है कि लाइफ में जो बाकी लोग हैं ना आपके घर में वो बस हैं, पर कोई भी आपका नहीं है, जो आपका है वो बस आपके गुरुजी हैं। आप मन ही मन बस उनसे ही बात कर रहे हो, उनके ही जवाब आपको मिल रहे हैं, उसी पे चल रहे हो तो आप जी पा रहे हो। गुरुजी मरना, संगत जी मरना इतना आसान होता है ना तो गुरुजी शायद उस चीज़ के लिए भी नहीं रोकते, उसके लिए भी जो आपने अटेम्प्ट किए आपको हंसी हंसी खुशी खुशी बुला लेते फिर, लेकिन आपको भेज देते वापस दुनिया में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हर एक तरह की ज़िंदगी से डर लगता है सोच के भी, ऐसा लगता है कि गुरु जी आप मुझे जितने कष्ट देने, जो जितने दर्द देने, जितने इंजेक्शंस के दर्द हैं, जो भी हैं सब गुरु जी यहीं पे करवा दीजिए। मैं हर एक उस दर्द का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो मुझे गुरु जी ने सिखाने के लिए दिए, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए दिए, मुझे इम्प्रूव करने के लिए दिए। और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की ये कृपा सच में मेरे ऊपर बनी रहे। संगत जी मैं अपने सत्संग को ज़रूर एक एक सेगमेंट्स के सेक्शन सेक्शंस टाइप में करके अपने सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, मैं करना चाहती हूँ। बट मैं अभी बस अपना ही जो सत्संग बताया इसको शायद मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत रसिक बैरागी हो गई हूँ या मुझे बैराग मिल गया है, लेकिन सही बताऊँ संगत जी तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ने कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कराई है, मेरे दिल में एक चिंगारी जलाई है उसकी। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ कभी ना छूटे, मैं धीमे धीमे उसको सच में अचीव करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पा पाऊँ, मैं अपने गुरु जी को पा पाऊँ और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे कभी ना छोड़ें और वो हमेशा मुझे अपने पास रखें, अपने गुरुलोक में बुला के अपने पास रखे और मुझे कभी भी वापस नहीं आना। मुझे जिंदगी से बहुत डर लगता है और मैं हर उस एक संगत से ये कहना चाहूंगी कि आपने कभी सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, आपके कभी घर में किसी बहुत खास की डेथ भी हो गई है, आपके कभी सारे पैसे भी चले गए हो, आपके अपनों ने आपको बहुत धोखा भी दे दिया हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ना बचा हो जो आपको प्यार करता हो, इन चीज़ों का भी ना
दुख तो आएगा ही ना, मन में दुखी तो होगा इंसान। उस दुख का ना जश्न मनाना गुरु जी के साथ बैठ के, आप देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि गुरु जी ने कैसे 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 आपका हाथ पकड़ के आपको सात समुद्र पार ले जा रहे हैं अपने पास, और बस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हर एक सांस का शुक्राना है। गुरु जी ने अपना नाम जपने का जो एक नशा दिया कि जब भी मैं परेशान हूँ, उठते बैठते सोते खाते हंसते बस गुरु जी का नाम दिमाग में चलता रहे, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जब आपको एंजाइटी हो, जब आपको डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान जो भी गुरु जी से जुड़ा है और जो नहीं जुड़ा है अभी तक, वो गुरु जी का नाम का सिमरन अपने सांसों में ऐसे बसा ले कि जैसे हम सांस लेते हैं ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, गुरु जी का प्रेजेंस वैसा लाइफ में आ जाए। उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं जो सच है दुनिया में। जैसे कहते हैं ना अभी कि राम का ही नाम सत्य है, ये जीवन मरना ये सब एक क्षण की चीजें हैं। जैसे कि सोचो आपको किसी ने खाली कमरे में सालों साल कैद कर दिया हो, उसमें आपको लगेगा ना कि पानी मिल गया हो एक गिलास तो भी कितना अच्छा लग रहा है। गुरु जी कभी ऐसी अंधकार जिंदगी से निकाल के अपने पास ले जाते हैं, और फिर गुरु जी आपको धीमे धीमे सब कुछ देते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग लाइफ का कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, डे बाय डे की चीज़ों का शुक्राना करना चाहती हूँ कि 2011 से लेकर 2023 तक मेरी जर्नी कैसी रही गुरु जी के साथ, क्या क्या चीज़ें हुई इस दौरान में, कैसे मैं अपना मतलब मेरी लाइक मेरा 12th ख़त्म हुआ 2005 में, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई, फिर मेरी शादी हुई 2011 में, और 2012 में मैं प्रेग्नेंट हुई। तो जो ये मेरी शादी 2011 से लेके जो 2023 तक का है ना, इसका मैं सेगमेंट वाइज शेयर करूँगी अपना सत्संग। शादी का, प्रेगनेंसी का, मेरी करियर लाइफ का, फिर मेरी ओवरऑल लाइफ कैसे बैलेंस हुई एंड आज मैं कहाँ हूँ करेंटली। और गुरुजी, मैं आपका इतना शुक्राना करना चाहती हूँ अपना आज का सत्संग ख़त्म करने से पहले। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि पूरी आग बुझ गई हो, समझो आपके सामने कहीं हवन हो रहा हो और आपको दिख रहा हो सारी लकड़ियां जल गई हो, पूरी राख हो गई हो, उस राख से भी अगर आपको मन करेगा ना, आप लाइफ में इतने पेन में हो, इतने एग्रेशन में हो, इतने फ्रस्ट्रेशन में हो कि आपको मन करेगा कि उसको भी उठा के अपने ऊपर डाल लो, कुछ तो हो जाए, अपने आप को जला लो, खत्म कर लो, रो लो, चीख लो, तभी भी आपको लगेगा कि गुरु जी आपको नहीं सुन रहे हैं। पर सच बताऊं, उस क्षण में, उस पल में भी गुरु जी आपको देख रहे होते हैं आपके सामने बैठ के, और कहीं ना कहीं शायद मुस्कुरा रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इसको अपना सारा एंगर, ईगो, एग्रेशन और क्या बोलते हैं स्ट्रेस ऐसे करके निकाल लेने दो, जब ये करके भी शांत होके बैठ लेगा ना, तब मैं इसके ऊपर सर पे हाथ रख के बोलूंगा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर तो गुरु जी बताएंगे एक एक चीज भी कि मैं हर एक चीज में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ गुरु जी का कि जैसे गुरु जी के लिए सब लोग कहते हैं ना
कि वो सब कुछ वापस दे देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं, सबकी बीमारियां हटा देते हैं, हर एक चीज़ का संग्रह बनाया जाए ना, तो भी शायद गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कम पड़े। गुरु जी ऐसे जीवन का ज्ञान कराते हैं, ऐसे हर एक चीज़ का को सामने ला के रखते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे गुरु जी मिले, वरना शायद मैं पता नहीं कहाँ होती आज, मैं क्या कर रही होती, मैं और कितने बुरे कर्म बना रही होती, पता नहीं अभी भी बना ही रही होंगी जाने अनजाने। गुरु जी मुझे प्लीज़ मुझे और मेरी सद्बुद्धि दीजिए, मेरी जहाँ भी मत नहीं साथ दे रही वहाँ मेरे साथ रही है, और आई एम नथिंग विदाउट यू गुरु जी और माई एवरीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरु जी, बस आप मेरे साथ रहिएगा गुरु जी, एंड प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए, मैं अपनी हर एक चीज़ बाकी सत्संग में शेयर कर सकूं। मुझे नहीं पता ये मैसेज किस संगत के लिए, कहाँ पे है, कैसे है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप गुरु जी बस मेरे साथ रहिएगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू, यू हैव गिवन मी अ न्यू लाइफ, यू हैव रीस्टार्टेड माई लाइफ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड गुरु जी, बस आपकी वजह से ही जो भी है मेरे पास आज सब कुछ आपका दिया हुआ है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी सो मच, अनंत अनंत में अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।